हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि दोस्तों जब आप लोग यहां पर कॉल में किसी के साथ बात कर रहे होते हैं और उसी टाइम पे आपके मोबाइल पे किसी दूसरे का कॉल आता है तो फिर आपको पता नहीं चलता है कि किसी दूसरे का भी कॉल यहां पे आपके मोबाइल पर आ रहा है। तो ठीक है, इस प्रॉब्लम को आप लोगों को कैसे ठीक करना है तो इसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, मैं आप सभी को बताता हूं। तो यहां पर दोस्तों ज्यादातर लोगों को यही प्रॉब्लम आता है कि बात करते टाइम किसी दूसरे का कॉल आता है तो पता नहीं चलता है। तो इसको जो है पता लगाने के लिए आपको एक अपने फोन में सेटिंग करना होगा। तो उसको सेटिंग करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को अपने मोबाइल में डायल पैड को ओपन कर लेना है। जो भी आपके फोन में डायल पैड है उसको ओपन करिए। उसके बाद फिर यहाँ पर आपको ऊपर में थ्री डॉट पे क्लिक करना है और सेटिंग में आ जाना है। सेटिंग पर आने के बाद यहाँ पर आप लोगों को कॉलिंग अकाउंट का ऑप्शन आता है, तो फिर यहाँ पर आप लोगों को क्लिक करिए। और उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है कि यहाँ पर आपको जिस भी सिम कार्ड में ये सेटिंग करना है उस सिम कार्ड को आप लोग क्लिक करिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको एडिशनल सेटिंग में क्लिक करना है। एडिशनल सेटिंग में क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल में ये जो कॉल वेटिंग है ना वो यहाँ पे इस तरीके से बंद रहेगा। तो आपको क्या करना है कि इसको जो है इस तरीके से ऑन कर देना है। ठीक है, तो इस तरीके से जब आप लोग ऑन करेंगे तो इसके बाद क्या होगा कि दोस्तों जब आप लोग कॉल में किसी के साथ बात कर रहे होंगे और उसी टाइम पे आपको कोई दूसरा कॉल कर रहा होगा तो उसका जो नोटिफिकेशन है वो आपको यहाँ पर पता चल जाएगा कि आपको कोई दूसरा यहाँ पे कॉल कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पे पता लगा पाएंगे। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।